हाय, आज हम बनाएंगे वेरी पॉपुलर श्रीखंड। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया हुआ है। हमें फ्रेश दही लेना चाहिए क्योंकि ये स्वीट रेसिपी है। इसको हम एक कॉटन के कर्चीफ या कॉटन क्लॉथ में ऐसे बांधकर शिंक के टैप को लगा कर रखेंगे। एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आप रखिए, या फिर बेस्ट रिजल्ट के लिए आप ओवरनाइट सोक कर लीजिए ताकि सारा पानी निकल जाए और सिर्फ हमें बहुत ही घट या थिक दही चाहिए। ऐसे हम टैप को बांध कर रख 2 आवर्स के बाद देखिए यहाँ पर हमारा दही जो है उसने सारा पानी निकाल लिया। अब इसमें हम 1 कप दही के लिए 1 कप चीनी डालेंगे और इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम 10 to 15 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये चीनी जो है ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं चीनी है थोड़ी मेल्ट होने लगी। अब इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास काजू, पिस्ता और किशमिश है। अगर आपको पसंद है तो बादाम डालिए, चिरौंजी या फिर टूटी फ्रूटी, चेरी, जो भी आपकी मर्ज़ी हो ड्राई फ्रूट डालिए, अंजीर, कुछ भी। इसको हम फ्रिज में रख देंगे 2 to 3 आवर्स के लिए। ये चिल ही अच्छा रहता है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो बस आप वो जो घट दही हमने बनाया था उसमें चीनी मिलाइए और चिल होने के बाद सर्व कीजिए। ये बहुत सारे फेस्टिवल्स में बनाया जाता है, बहुत ही फेमस है। ट्राई ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।